अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कुकिंग विद हुस्ना। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ छुपा बैगन आलू की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार बनती है और वो भी बिना टमाटर और बिना प्याज के। सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन या आप कढ़ाई जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें मैंने करीबन 2 से 3 बड़े चम्मच राई का तेल ले लिया है। राई का तेल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सनफ्लावर ऑयल भी ले सकते हैं। तेल डालने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं करीबन 1/2 चम्मच जीरा। ज़ीरा पहले आप अच्छे से तेल को हो लेने दें, फिर उसके बाद उसमें ज़ीरा डालें। उसके बाद मैंने इसमें डाला है करीबन 5 से 10 मेथी दाने। इसके बाद हमने इसमें डालना है करीबन 1/2 छोटा चम्मच राई। राई हमने बहुत कम क्वांटिटी में डालनी है। में डालने हैं करीबन 5 से 10 लहसुन के जवे और 2 सूखी लाल मिर्च। अच्छा, ये मैंने रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी, तो यहाँ पे देखिए वीडियो में ऑलरेडी इसमें डल चुका है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है करीबन 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा। इसके बाद सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से हम हाई फ्लेम पर स्टर कर लेंगे। स्टर करने के बाद मैंने यहाँ पर डाली है करीबन 1 चम्मच, एक बड़ा चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च के डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं करीबन 1/2 चम्मच हल्दी का। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट पड़ चुके हैं, तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स करें। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने डाला है बड़ा लहसुन का पेस्ट। मसालों को अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लें। उसके बाद फ़ौरन ही इसमें हम डालेंगे 1/2 ग्लास पानी, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। अच्छा, पानी डालने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं करीबन 300 ग्राम हमारे बैंगन। ये मैंने छोटे वाले बैंगन जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वही बैंगन लिए हैं। बैगन और मसालों की भुनाई करेंगे हम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। इसके बाद आप इसे ढक्कन बंद करके पकने दें करीबन 10 से 12 मिनट के लिए। हमें इस रेसिपी में बैगन एकदम गले हुए चाहिए, इसीलिए हम मसालों के साथ पहले बैगन को पकने देंगे। ये देखिए करीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और हमारे बैगन जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मसालों के साथ मिक्स हो चुके हैं। इसी तरह से इसी स्टेज पर मैं अपने बैगनों को थोड़ा सा और स्टर कर रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, ताकि बचे कुचा जो पानी है मसालों का वो भी एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं आलू। आलू यहाँ पर हम बैगन से हाफ क्वांटिटी में लेंगे। ट्राई करें कि आलू का जो साइज़ है इस रेसिपी में बड़ा हो, क्योंकि हमें आलूओं को एंड तक नहीं गलाना है इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने आलू, बैगन और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप जितना टेस्ट खाते हो उतना टेस्ट के मुताबिक हम इसमें सॉल्ट ऐड करें। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 1 से 1.5 ग्लास पानी, और पानी डाल के ढक्कन बंद कर दें। और हमें इसे करीबन पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर। ये देखिए हमारे बैगन जो है वो एकदम पक चुके हैं। पानी डालने की वीडियो मैं ऐड नहीं कर पाई, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो देखिए यहाँ मेरे बैगन बिल्कुल गल चुके हैं। बचे कुचे जो थोड़े पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं, आपको चम्मच की हेल्प से उसे घोट देना है इस तरीके से। ये देखिए हमारे बैगन जो है वो बिल्कुल भी साबुत नहीं नज़र आने चाहिए, इसीलिए इस रेसिपी का नाम है छुपा बैगन रेसिपी। यानी जब तक आप इसे टेस्ट नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि रेसिपी में बैगन भी ऐड है। इसके बाद इसमें डाल दीजिए हरा धनिया, 1/2 नींबू भी हम ऊपर से निचोड़ के डाल देंगे अच्छे टेस्ट के लिए। और ये हमारी छुपा आलू बैगन की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़ेदार बनती है, घर में आप डेली ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।